हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, फ्रंट ओपन और बैक का गला जो है नॉर्मल है। तो नॉर्मल गले में शोल्डर की कटिंग किस तरीके से की जाएगी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज लगा हुआ है, ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट हमने स्क्रीन पे लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसी साइज पे कट करने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है लंबाई के लिए, इस तरीके से निशान लगाएंगे। एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है 1 सेंटीमीटर के मार्जिन पे, इस तरीके से। हम ब्लाउज इसका जो है फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। लंबाई है इसकी 15.5 इंच, तो हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल है इसका 18 इंच, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। डार्ट पॉइंट है 10 इंच, 10.5 पे निशान लगाएंगे। साइज कोई भी हो आपको इसी मेथड से आपको कटिंग करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधा निशान आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। अपर चेस्ट है 39.5 इंच, 1.5 इंच इसमें हम लूजिंग डालेंगे, 1.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 41 इंच, 41। 41 का चौथा हिस्सा होता है 10.25 इंच, हम 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.25 इंच आगे बढ़ा करके आपको निशान लगाना है। इसके अंदर आपका डार्ट भी होगा और जो प्रिंसेस कट है उसकी मार्जिन भी होगी इसमें। कमर है इसकी 38.5 इंच, तो 38.5 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 एक सूत, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। 3 इंच आगे बढ़ा करके आपको निशान लगाना है, 3 इंच ही आगे बढ़ा करके निशान लगाना है, जिसमें 2.25 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट होगा। शोल्डर है इसका 15 इंच, बैक गला हम नॉर्मल कट कर रहे हैं तो शोल्डर की कटिंग हम उसी हिसाब से करेंगे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। शोल्डर अगर 15 इंच है तो 7.5 पे निशान लगा करके आपको 1/2 इंच ही कम कर लेना है, 7.5 की जगह आपको 7 रखना है फ्रंट का जो शोल्डर है। बैक का हम बाद में बताएंगे। गले का जो ब्रॉड रखना है कम से कम में रखना है आपको 4 इंच, ताकि ये जो शोल्डर की चौड़ाई है वो कम आए, अगर ज़्यादा आएगा तो फिर वो ठीक नहीं है, ठीक है। गला ब्रॉड भी हो जाएगा और इसकी चौड़ाई भी कम आएगी ब्लाउज के अकॉर्डिंग। फ्रंट क्रॉस 13 इंच है तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे आपको 1/2 इंच का मार्जिन देने के बाद गला का जो भी साइज है, 7.5 इंच हमारे पास साइज है तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। ये गले का निशान हो गया। अब डार्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम रखेंगे, ये हम रखेंगे 4.5 इंच पे, ठीक है। किसी किसी साइज में हम एक सूत कम रखते हैं जिसका साइज ज्यादा होता है, जैसे कि इसमें 41.5 है तो हेवी साइज है तो थोड़ा सा हमने इसमें एक सूत आगे बढ़ा लिया है। सेम निशान आपको नीचे भी लगाना है, 1/4 इंच पे एक निशान आपको यहाँ लगाना है 1/4 इंच पे। अब इस निशान से आपको टोटल कर लेना है 2.25 इंच और इस तरीके से आपको निशान मिला लेना है। दूसरी साइड आपको निशान इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से शोल्डर आप जो है 1/2 इंच ही डाउन कर लीजिए। आर्मोल का निशान आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आर्मोल की जो राउंड है इस तरीके से आपको डालना है, थोड़ा सा आप यहां पे अंदर की साइड ले लेंगे और इस निशान से आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से देख लेने के बाद इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा 2.25 इंच है क्योंकि हमें यहाँ डार्ट भी लेना है
और मार्जिन भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंच का आर्मोल में डार्ट डालेंगे। हमें यहीं से मेजर करना है, यहाँ से नहीं करना आपको मेजर, जहाँ से आपको दिख रहा है आपको यहीं से करना है किसी भी ब्लाउज में। और इस तरीके से आपको जो है प्रिंसेस कट का निशान लगा लेना है। अब आप क्या करेंगे कि ये निशान को आप इस तरीके से सीधा ड्रॉ करेंगे। ये निशान आपका यहाँ पे आ रहा है तो आप यहीं से इसकी जो आर्मोल की राउंड है ये देंगे इस तरीके से। इस निशान को आपको इस तरीके से 2 सूत के करीब इतना जो है ड्रॉ कर लेना है, निशान नीचे ले लेना है तिरछा। सेम इस साइड भी कर लेना है। इसमें हम साइड ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, साइज हेवी है तो 1.25 इंच ही बहुत हो गया। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है लंबाई का, और साइड का निशान इस तरीके से लगा लेना है, और मार्जिन का भी निशान लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब बचा है हमारा गले का निशान। तो गले का निशान हम फिक्स लगाते हैं, जो भी निशान हम गले का लगाते हैं तो आप चाहे बाद में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको गले का शेप देना है आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब आप चाहें तो फ्रंट में ये वाली डार्ट डाल सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं, तो मैं इसमें डाल देता हूं। और इस निशान को आपको थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की साइड जो है हवा भर बाहर की साइड आपको रखना है ताकि डार्ट डले तो बिल्कुल सीधी हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कमर लिख देते हैं 38.5 इंच। तो फ्रंट का निशान हमारा कम्प्लीटली लग चुका है, और चाहे तो इसको इस तरीके से आप सही कर ले या तो काटते समय इसको राउंड सही कर ले इसका। तो फ्रंट का निशान हमारा कम्प्लीटली लग चुका है तो अब हम इसको करेंगे कटिंग। बैक का पल्ला बैठाने के बाद फिर हम प्रिंसेस कट करेंगे। ये निशान आपको मिला लेना है इस तरीके से क्योंकि ये हमारा मार्जिन है। ये अच्छे से बैठाने के बाद आपको जो है प्रिंसेस कट की जो है कटिंग कर लेना है इस तरीके से। चलिए अब हम इसका जो है ये फ्रंट हमने बैठा लिया है तो हम इसका आर्मोल चेक करेंगे कि कितना आया है। तो ये हम चेक कर लेते हैं, 17.5 का हिसाब का आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का जो है आर्मोल अगर छोटा कट जाता है आपसे तो आप क्या करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए ही है, तो आप इस तरीके से आर्मोल को बढ़ा लेंगे आप। अक्सर प्रिंसेस कट ब्लाउज में इस तरीके का होता है। ये निशान बढ़ा लेने के बाद आपको इस तरीके से आपको कट कर लेना है। प्रिंसेस कट में आपका आर्मोल छोटा कट जाए तो ठीक है, बड़ा कट गया तो प्रॉब्लम होगी आपको। आप इस तरीके से आप नाप के देखिए, ये 18 इंच आ गया। तो अब हम लगाएंगे बैक का निशान। इस तरीके से आप एक निशान ऐसे लगा लीजिए इस तरीके से। आपका शोल्डर है 15 इंच तो 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक हम उतना ही काटेंगे जितना हमारा शोल्डर है। एक निशान आपको यहाँ लगाना है और इस तरीके से एक निशान लगा करके आपको 0.25 इंच के आसपास जो है नीचे की साइड लेकर के ये अपर चेस्ट का आपको निशान यहाँ लगा लेना है। एक लंबाई का निशान आपको यहाँ लगाना है। अब शोल्डर का जो गला का जो निशान है ब्रॉड का, तो अब ये जो हमने शोल्डर 0.5 इंच ही आगे बढ़ाया है तो हमें तो इसकी चौड़ाई के हिसाब से चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा बैक। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है हम नापेंगे, 3 इंची है, तो हम इसका जो बैक का जो साइज है हम यहाँ से 3 इंच रखेंगे। ठीक है, जब ये गला ब्रॉड होगा फ्रंट का तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक का गला तो ब्रॉड होगा नहीं, बैक तो नॉर्मल है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो फ्रंट हम हटा लेते हैं यहाँ से, फ्रंट की अब कोई ज़रूरत हमें नहीं है।
38 इंची कमर है, तो जो हमने फ्रंट पे निशान लगाया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है, 8.5 एक सूत, 1 इंची आगे बढ़ा करके निशान लगाएंगे बैग में डार्ट डालने के लिए। बैक क्रॉस है 15.5 इंच, तो 7.25 पे निशान लगाएंगे। हम इसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग। बैक का गला नॉर्मल आप 3.5 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है बैक का गला 3 इंच ही रखेंगे और यहाँ पे हमें ड्रॉप डालना है। अगर ज़्यादा नीचे आएंगे तो बैक गला डीप हो जाएगा, साइज के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन भी इसमें क्रिएट करना है थोड़ा बहुत। इस तरीके से बैक का निशान लगा लेंगे। गले का जो डीपनेस है 10.5, यहाँ पे मार्जिन जो शोल्डर मार्जिन है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब चाहे तो कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉप डाल सकते हैं। 1 इंची या 1.25 इंच आप नीचे लेंगे, 1 इंची ले लेते हैं, 1.25 इंच भी ठीक है। इस निशान को इस तरीके से लगा लेना है, 4.25 इंच जो हम ड्रॉप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 4.25 इंच लेंगे। सेम साइज यहाँ पे भी रखना है और इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है। इसमें हम दे देते हैं कोई शेप, ये इस तरीके का डिजाइन बैक में बन गया। आर्मोर का निशान इस तरीके से लगाना है आपने। साइड का निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है, मार्जिन का भी निशान लगा लीजिए। यहाँ पे आपको सीधा निशान ना लेकर के यहाँ से 1/2 इंच का निशान पहले आप यहाँ लगाएंगे, जहाँ से भी आप डार्ट डालने की सोच रहे हैं उसी हिसाब से, और इस निशान को इस तरीके से तिरछा कर देंगे और हम यहाँ पे डार्ट डाल देते हैं। ये चाहे तो आप मेजर कर लीजिए, 10 इंची डार्ट पॉइंट है तो 10.5 इंच पे निशान लगा करके आप ये निशान डार्ट का लगा लीजिए। तो बैक का निशान हमारा कंप्लीटली लग चुका है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। एक कुटका यहां पे लगा दो आप, एक यहां पे, एक यहां पे। निशान गले का और ड्रॉप का जो भी निशान है हमारा फिक्स लग चुका है, तो आपको इसी निशान के ऊपर ही पीस बनाना होता है। एल्बो बाजू है इसका, तो आप एक निशान यहाँ लगाएंगे, 1/2 इंच ही एक निशान नीचे लगाएंगे। जो भी बाजू की लंबाई है 10 इंच या 10.5 जो भी है उस पे निशान आपको लगाना है। सीधा निशान ड्रॉ कर लेना है आपको। आर्मोल डाउन का निशान आप 4.25 ले सकते हैं, तो हम 4 इंच लेंगे इसमें, 4.25 स्टैंडर्ड साइज है ये, और इस तरीके से निशान लगा लेना है। जो भी हमारा आर्मोल है 18 इंची आर्मोल है, तो आपको यहाँ से 9 इंची पे निशान इस तरीके से तिरछा करके लगाएंगे, तो आपका आर्मोल बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, आपको बाजू चढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मोरी का जो साइज है 12.5 इंची है, तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर बाइसेप का साइज है तो आप यहाँ पे बाइसेप का साइज आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा इस तरीके से आप स्केल रखेंगे और निशान लगा देंगे। मार्जिन का निशान यहाँ पे लगा करके आर्मोल का निशान आपको इस तरीके से लगा लेना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसकी जो ताल है ना, ताल भी कट कर लेंगे,
काल का तो हम लोग निशान लगाते नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से निशान लगा के काट सकते हैं, या वैसे भी इस तरीके से काट सकते हैं। जो भी मोरी का साइज है आप यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। ये तो हमारा लाइनिंग कट चुका है, अब इसकी जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग होगी। ये हमारा मेन फैब्रिक भी कटिंग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को ऑल कीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।